नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस लगातार घरों के आगे फुटपाथ और रोड साइड गाड़ियां खड़े करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिसकर्मी सेक्टरों में विशेष जागरूकता मुहिम भी चला रहे हैं। इनमें सेक्टरों के रिहायशी इलाके और मार्केट एरिया को भी कवर किया गया है। माइक के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करते हुए चेतावनी दी जा रही है। पुलिस पेमेंट्स आर फॉर पीपल के नाम से जागरूकता मुहिम चला रही है। इसमें लोगों को बताया जा रहा है कि पेमेंट में गाड़ी पार्क कर बाधा पैदा करना गैर कानूनी है। पुलिस लोगों को चेतावनी दे रही है। मोटर व्हीकल और साइड पेडेस्ट्रियन पार्क पेमेंट तथा साइकिल रिक्शा ट्रैक पर पार्क ना करें। इसे मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की उल्लंघना बताया गया है। पुलिस लोगों को चेतावनी दे रही है कि इस प्रकार मोटर व्हीकल की पार्किंग करने पर उन्हें टो कर जब्त कर लिया जाएगा और चालान भी किया जाएगा। पुलिस रॉन्ग पार्किंग में खड़े वाहनों को 500 रुपए का चालान कर रही है। हादसे होने का खतरा, पुलिस का कहना है कि सड़क किनारे गाड़ियां खड़ा करना पेमेंट्स पर गाड़ियों के लिए सड़क पर जगह तंग हो जाती है। वहीं सड़क पर जा रहे व्यक्तियों को भी पेडेस्ट्रियन पार्क पेमेंट्स की बजाय सड़क पर उतरना पड़ता है। इससे उनकी जान जाने और हादसे का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों, बुजुर्गों, नेत्रहीनों आदि के लिए ज्यादा खतरा है। साइकिल ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाने पर सजा है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस लोगों को जागरूक करते हुए बता रही है कि शहर भर में बनाए गए साइकिल टैक्स पर भी मोटर व्हीकल चलाना गैरकानूनी है। इससे 6 महीने तक की सजा हो सकती है। शहर के स्मार्ट कैमरे भी इस प्रकार की हरकतों को कैप्चर कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।